हेलो फ्रेंड्स, पधारोसा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूली से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसे आप सॉस, चटनी या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 3 मूली को धोकर छिलके उतार कर इनके डंठल हटा दिए हैं। वजन में ये 200 ग्राम है। अब इन्हें थोड़े छोटे साइज वाले कद्दूकस से कसना है। आजकल मूली बहुत ही अच्छी आ रही है, एकदम ताज़ा और कच्ची। देखिए, इस साइज का कद्दूकस किया है मैंने। तीनों मूली कद्दूकस कर ली है। अब इसमें बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच लगभग चौथाई कप के आसपास है, 1 चम्मच गेहूं का आटा और चौथाई चम्मच नमक डालकर मिक्स करके ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट रखना है, ताकि पता चल सके मिश्रण में कितना और पानी मिक्स करना है। मूली भी पानी छोड़ती है, आप चाहें तो 2 चम्मच सूजी भी मिक्स कर सकते हैं। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, मिश्रण थोड़ा गीला हो गया है। अब इसमें चौथाई चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, चौथाई चम्मच चाट मसाला, 1 चुटकी गरम मसाला, 1 से 2 चुटकी हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1 बारीक कटा प्याज, 1 बारीक कटा टमाटर, आधा चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन और 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स करना है। मूली सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। मूली में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए मूली हड्डियों की मजबूती के लिए, अगर भूख कम लगती हो तो भूख बढ़ाने के लिए, अच्छी नींद के लिए, बेहतर पाचन शक्ति के लिए और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी मूली बहुत ही फायदेमंद है। मिश्रण थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, 2 चम्मच पानी डालकर मिक्स करना है। देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी ही चाहिए। मैंने यहाँ आयरन का तवा घी लगाकर गरम कर लिया है। तवा ज्यादा गरम नहीं करना है, ज्यादा गरम तवा होने पर मिश्रण चम्मच के साथ ही पलट जाता है। अब तवे पर थोड़ा मिश्रण डालकर चम्मच से फैलाना है। ये ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, पूरी के साइज का ही बनाया है। अब इसके चारों तरफ घी या तेल और इसके ऊपर चौथाई चम्मच सफ़ेद तिल और आधा चम्मच घी डालकर 1.5 से 2 मिनट बाद पलटना है। दूसरी साइड भी घी लगाकर सेकना है। इन्हें दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकना है। मूली के चीले तैयार है, आप भी ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।